समय है और नेवी टेक की भी आपकी आ जाएंगी कुछ समय बाद। अब एसएसबी में जाने से पहले, क्योंकि हमने बच्चों को ऑलरेडी बताया कि एसएसबी में क्या होता है, आपको प्रतीक सर ने बताया हुआ था कि 5 डेज क्लासेस में क्या करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, पर उस सबसे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप एसएसबी के लिए जाएं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है, टैटू को लेके क्या है, दूसरा आपका यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं और कई बार इन कन्फ्यूजन के वजह से बच्चे पहले दिन ही घबरा जाते हैं एकदम से जब वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं या कभी फोटोकॉपी नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को एसएसबी में जाने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी है, मेंटली किस तरह से तैयार रहना है, फिजिकली किस ढंग से सोच के जाना है और उन 5 दिन में जो इनका बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिहेवियर बहुत अच्छा हो। अच्छा, इसके अलावा डे 1 में जो आपका स्क्रीन टेस्ट होता है वो टेस्ट आज सैटरडे है, मैं आप लोगों को भेजूंगा और अब रेगुलर भेजता रहूंगा जिससे कि आपका स्क्रीन आउट ना हो आप, और फिर स्क्रीन से निकल के उनको कॉन्फ्रेंस तक जाना और वहाँ पे भी सिलेक्ट होना है। तो ये 5 दिन बच्चे क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में सेट करके रखें और जाने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान रखें, मैं चाहूँगा आप इनको बहुत डिटेल में बताएं जिससे कि बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज चैप्स हु हैव गॉट द कॉल फॉर एसएसबी इंटरव्यू एंड गुड लक फॉर ऑल दोज हु आर राइट नाउ इन द फेज ऑफ प्रिपरेशन। So today we are going to talk about various documents that we have to take for the SSB interview, the other articles and things that you should carry along with yourself and how you should behave and what should be your conduct in the 5-day procedure of SSB. So first of all, agar hum documents ki baat kare to documents mein kyunki sabse pehli cheez jiski aapko zarurat padegi wo hai aapki 10th class ki mark sheet. और इसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट आएगा वो होगा आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। अब कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि भाई मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो तो सेम चीज है, दैट इज नॉट ट्रू। 10th क्लास की मार्कशीट का मतलब है वो डॉक्यूमेंट जो ये बता रहा है कि भाई जब आपने 10th का पेपर दिया था तो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स आए हैं, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन जिस पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर पे होती है उसे हम लोग कहते हैं मार्कशीट। दूसरा आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है, पासिंग सर्टिफिकेट में आपके मार्क्स मेंशन नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इस साल में आपने 10th क्लास का पेपर एसएस बोर्ड से क्लियर किया था। ये जो डिक्लेरेशन होता है वो आपको आपके पासिंग सर्टिफिकेट में देखने के लिए मिलता है। तो पहले जो दो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वो है आपकी 10th क्लास की मार्कशीट और दूसरा है आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। इसके बाद जो अगले डॉक्यूमेंट आते हैं वो है आपकी 12th की मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में लेकर जाने हैं, यानी कि आपको इनकी जो भी ओरिजिनल कॉपीज हैं आपके पास वो होनी चाहिए। इसके साथ में आपको इनकी 2 फोटोकॉपीज भी लेकर जानी है। पहला आपको ये ओरिजिनल में लेकर जाना है, प्लस आपके पास इनकी कम से कम 2 फोटोकॉपीज हर एक डॉक्यूमेंट की यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा भी करवा के ले जाएं तो वेल एंड गुड है, 3 या 4 कॉपीज करा के ले जाएं, बट कम से कम अपने को ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में प्लस इनकी 2-2 फोटो कॉपीज अपनी तरफ से करवा के ले जाना जरूरी होता है। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर आपने टेक्निकल एंट्री स्कीम का फॉर्म भरा है या फिर अगर आपने नेवी टेक का फॉर्म भरा है तो उस केस में जब आपने फॉर्म भरा था तब फॉर्म भरने के बाद में एक ऑनलाइन फॉर्म जनरेट होता है आफ्टर यू हैव डन द फाइनल सबमिशन। जब आपने अपना फाइनल सबमिशन कर दिया है, चाहे वो टेक्निकल एंट्री स्कीम में किया हो चाहे वो नेवी टेक में किया हो, इन दोनों में फाइनल सबमिशन करने के बाद में एक ऑनलाइन फॉर्म जनरेट हुआ होगा या फिर एक ऑनलाइन एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हुआ होगा। आपको इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी लेकर जानी है, उस पर अपना फोटोग्राफ लगाना है, उसको अपना सेल्फ अटेस्ट करना है और उसको साथ में फिर लेकर जाना है। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये NDA अगर आपने अप्लाई किया है तो उसमें आपको कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाने की जरूरत नहीं है, मगर अगर आपने टेक्निकल एंट्री स्कीम या फिर नेवी टेक के लिए अप्लाई किया था तो जो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हुआ है उसकी एक कॉपी सेल्फ अटेस्ट कर उस पर फोटोग्राफ लगाकर ले जाना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है इनफैक्ट। इसके बाद जो अगली चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी
आइडेंटिटी प्रूफ में आप चाहें तो अपना वोटर आईडी लेकर जा सकते हैं, आप अपना पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं, पासपोर्ट लेकर जा सकते हैं। तो इसमें आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ के नाम पर आप क्या लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप वोटर आईडी लेकर जाना चाहते हैं वोटर आईडी ले जाएं, अगर आप 18 साल के अभी नहीं हुए हैं और आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। आधार कार्ड के अलावा आप चाहें तो पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, पैन कार्ड के अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो वो लेकर जा सकते हैं। तो आपके पास काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, और इनमें से अगर आपके पास एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर वो भी लेकर जा सकते हैं, दैट्स गोइंग टू बी वेल एंड गुड। एक तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे, एक आपको उसकी ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी है, प्लस साथ में आप उसकी कम से कम 2-4 फोटोकॉपीज भी अपने साथ लेकर जाएं, वो ठीक रहेगा। इसके बाद जो अगली चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, अगर आपके पास कोई दूसरे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, जैसे अगर आपने एनसीसी वगैरह कर रखी है, एनसीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो लेकर जा सकते हैं। एनसीसी के सर्टिफिकेट के अलावा अगर आपके कोई दूसरे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, दूसरे अचीवमेंट्स वगैरह के सर्टिफिकेट्स हैं तो आप वो लेकर जा सकते हैं। दूसरे जो भी आपके अचीवमेंट्स वगैरह हैं आप उसके सर्टिफिकेट्स लेकर जा सकते हैं, एंड सो ऑन। इसके बाद जो अगली चीज आपको लेकर जानी है वो है 30 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। और इसमें भी कंडीशन यह है कि ये फोटोग्राफ 6 महीनों के अंदर अंदर खींची गई हो, और प्रेफरेबली अगर हो सके तो व्हाइट बैकग्राउंड में हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरे बैकग्राउंड में हो ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है, बट प्रेफरेबली अगर हो सके तो व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, ये 6 महीनों के अंदर अंदर खींची गई लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी जा रहे हैं और 3 साल पुरानी आप फोटोग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज नॉट समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो 30 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स 6 महीने के अंदर खींची गई हूँ, एंड प्रेफरेबली अगर आपकी व्हाइट बैकग्राउंड में अगर ये फोटोग्राफ्स आ रही हैं तो वो वेल एंड गुड है। इसके अलावा जो अगली चीज आपको लेकर जानी होगी वो है आपका रिस्क सर्टिफिकेट। रिस्क सर्टिफिकेट, जब आपको एसएसबी का कॉल आएगा तो एक मेल आपको कॉल लेटर के तौर पे भेजा जाएगा जिसमें आपकी रिपोर्टिंग टाइम, डेट और प्लेस बताई जाती है। उस पूरे लेटर को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलता है जिसे रिस्क सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होती है कि मैं सो एंड सो अपने सन को एसएसबी में भेज रहा हूँ, एंड मैं पूरी तरह समझता हूँ कि अगर किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट या मिसहैपनिंग होती है तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और इस तरीके की लैंग्वेज इस सर्टिफिकेट में लिखी रहती है। इस सर्टिफिकेट को अगर आप माइनर हैं तो आपको अपने फादर या फिर आपके जो भी गार्जियन हैं उनसे साइन करवा कर लेकर जाना होता है, ठीक है। रिस्क सर्टिफिकेट के अलावा कई बार क्या होता है, बच्चे हायर एजुकेशन के लिए, लेट से किसी ने अगर 12th पास कर ली है, अगर हम एनडीए की बात कर लें या टेक्निकल एंट्री स्कीम और नेवी टेक की भी बात कर लें, बच्चा अगर 12th पास हो चुका है मगर उसने कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, और कॉलेज ज्वाइन करने के साथ साथ उसने या तो एनडीए का पेपर देकर क्लियर किया है, टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया या नेवी टेक के लिए अप्लाई कर दिया, ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि कॉलेजेस में आप अपने हायर एजुकेशन के लिए अपने मार्कशीट्स वगैरह को डिपॉजिट कर देते हैं, और एक कुछ पर्टिकुलर बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं कि इतने टाइम तक आपको वो सर्टिफिकेट्स वापस नहीं मिलते हैं। इस केस में आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं आपको उसके हेड से एक अंडरटेकिंग लेकर जाना पड़ेगी कि भाई ये जो बच्चा है ये हमारे स्कूल में या फिर हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी है इसमें ये पढ़ रहा है, इस पर्टिकुलर कोर्स में इन्होंने एडमिशन लिया है, इनकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉलेज में या फिर जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें सबमिटेड हैं, और अभी हमारे रूल्स वगैरह के कारण एक सर्टेन टाइम पीरियड तक हम इनको ये वापस नहीं कर सकते, बट हम सर्टिफाई कर रहे हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में सेफली रखे हुए हैं, और उसके बाद में वो अपनी अंडरटेकिंग, आपका जो भी लेटर हेड है अपना अंडरटेकिंग देकर वो उस पर अपना साइन कर और सील लगा कर देगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा अगर आप कहीं पे एडमिशन ले चुके हैं और अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह वहां पर जमा कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है। तो
तो एक बार हम सारे डॉक्यूमेंट्स का रिकैप करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अगले पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको लेकर जानी है वो आपका टेंथ की मार्कशीट है और टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट है। दूसरी चीज़ जो आपको लेकर जानी है वो ट्वेल्थ की मार्कशीट है और ट्वेल्थ की पासिंग सर्टिफिकेट है। ये दोनों आपको ओरिजिनल में भी लेकर जाना है, प्लस साथ में प्रेफरेबली अगर आप इनकी दो फोटोकॉपी लेकर जा सकें तो बेटर रहेगा, दो से ज़्यादा लेकर जा सकें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में जो अगली चीज़ आपको लेकर जानी है, टेक्निकल एंट्री स्कीम और नेवी टेक के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो जो ऑनलाइन फॉर्म जनरेट हुआ था उसकी एक कॉपी, उसको सेल्फ अटेस्ट कर आपको लेकर जाना है। इसके बाद में अगली चीज जो आपको लेकर जानी है आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ के नाम पे अगर आप 18 के हो चुके हैं तो आप वोटर आईडी लेकर जा सकते हैं, अगर आप 18 के नहीं हुए हैं तो फिर आप पैन कार्ड लेकर जाएं, आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, आप पासपोर्ट लेकर जा सकते हैं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं, जो भी आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट हो उसकी ओरिजिनल और उसकी 3-4 फोटोकॉपीज अगर आप अपने साथ लेकर जाएं तो वो ठीक रहेगा। इसके बाद में अगली चीज़ आती है येट अगेन रिस्क सर्टिफिकेट, अगर आप बालिग नहीं हैं, अगर आप 18 के नहीं हुए हैं तो। रिस्क सर्टिफिकेट के बाद में आती हैं 30 फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज, 30 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज आपको लेकर जानी है, 6 महीनों के अंदर अंदर खींची हुई होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में प्रेफरेबली अगर हो तो ज्यादा बेटर है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा अगर आपने कहीं पर एडमिशन ले लिया है 12th पास होने के बाद में और वाइल आप अपना ग्रेजुएशन परस्यू करते हुए अगर आप SSB के लिए आ रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर किसी के पास सबमिटेड हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में अगर सबमिटेड हैं, तो फिर उनके लेटर हेड पर आपके जो भी कॉलेज के हेड हैं प्रिंसिपल या डायरेक्टर, उनसे आपको एक अंडरटेकिंग लेकर आना पड़ती है उनकी सील के साथ में कि भाई इनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे यहाँ पे सबमिटेड हैं। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स के बाद हम लोग आते हैं दूसरी चीज़ों पे जो आपको लेकर जानी है, जिसमें हमारे किस तरीके के कपड़े हमको लेकर जाना चाहिए और दूसरे आर्टिकल्स वगैरह जिनकी हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको लेकर जाना चाहिए वो है फॉर्मल्स, वो भी कम से कम 2 से 3 जोड़। फॉर्मल्स में आपके वो पैंट शर्ट लेदर के शूज़ वगैरह और बेल्ट वगैरह आ जाते हैं जिन्हें आप इंटरव्यू में पहनेंगे, जिनको आप स्क्रीनिंग के दिन पहनेंगे और जिनको आप कॉन्फ्रेंस के दिन पहनेंगे। प्रोसेसेस वगैरह में काफ़ी टाइम लगता है तो कपड़े ख़राब होने का भी मतलब काफ़ी चांसेस रहते हैं, प्लस आप किस सीज़न में जा रहे हो ये भी एक बात है। तो कम से कम 3 जोड़ी फॉर्मल्स आप अपने साथ लेकर जाइए। फॉर्मल्स मतलब क्या?